हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिनी की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन मसाला, तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें मैं फ़ोरन दूंगी, तेज़पत्ता, जीरा, मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये सब डाल के। अब मैंने इसमें दिया है 4 बड़े प्याज फाइनली चॉप्ड, जिंजर गार्लिक और काली मिर्च 8 से 10 लिया, इसे क्रश करके मैंने दे दिया है। इसमें नमक डाल के गोल्डन फ्राई हम प्याज को कर लेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसमें 1 किलो चिकन दूंगी। चिकन डाल के हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक चिकन को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। इससे ऐसा ये होता है कि थोड़ा चिकन का भी स्मेल चला जाता है। तो चिकन हम फ्राई कर लिए हैं 5 मिनट के बाद। अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च डालूंगी। इसे भी डाल के 3 से 4 मिनट हम और पकाएंगे। तो देखिए हमारा चिकन लगभग हाफ कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो मसाले मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। ये सब डाल के मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा पानी डाल के ढक के 6 से 7 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला पूरा पक के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप ऐसे भी इसे रोटी के साथ खा सकते हो, और अगर चावल के साथ खाना है तो आप इसमें पानी डालें और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बनाएं। तो मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी दी हूँ और इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो देखिए हमारा चिकन बनके तैयार हो गया है, ग्रेवी वाली चिकन। तो अगर आपको मेरी चिकन की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।